नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों यार, आज के इस खास वीडियो के अंदर दोस्तों अपने आप जब बात करने वाले हैं दोस्तों धनिक कार्ड के बारे में। तो दोस्तों यार, कुछ इस तरीके का कार्ड आप में से जो है काफ़ी सारे लोगों के पास जो है आ चुका है। और दोस्तों काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जो है धनिक का कार्ड जो है ऑर्डर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको जो है धनिक कार्ड डिलीवर कर दिया गया है। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर अपने यहाँ पे जो कंप्लीट दोस्तों इसकी जो जानकारी लेने वाले हैं कि बिना मंगाए दोस्तों ये धनिक का कार्ड जो आपके पास क्यों आ रहा है। और दोस्तों अगर आपके पास जो है कार्ड आ चुका है तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है समस्या की बात है, क्योंकि आपके जो बैंक अकाउंट वगैरह से यहाँ पे जो काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह भी जो है काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों यार, इससे आप जो है किस तरीके से बच सकते हो वो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो देने वाला हूँ। और दोस्तों आज के बाद में आपको जो धनी से संबंधित यहाँ पे जो कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जो है कार्ड को ऑर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको जो है धनी की तरफ से धनी वन फ्रीडम कार्ड जो है कुछ इस तरीके का मिल चुका है। दोस्तों यार, मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जो है धनी का कार्ड ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको जो है धनी की तरफ से जो है फ्रीडम कार्ड कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है दे दिया गया है। तो दोस्तों यार, यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी जो समस्या की बात है कि अगर आपने जो है कार्ड को ऑर्डर नहीं किया, फिर भी आपके पास जो है धनी का कार्ड आ गया, और दोस्तों अगर आपने जो उस कार्ड को एक्टिवेट कर दिया तो ₹129 आपको जो है पर मंथ यहाँ पे जो है चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपसे बिना पूछे यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट से ₹129 जो है एवरी मंथ यहाँ पे जो है कट कर लिए जाते हैं। तो यार, ऐसा यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं तो आपसे जो है परमिशन यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों धनी वन फ्रीडम कार्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बिना पूछे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे जो पैसे वगैरह जो है काट लिए गए हैं, किसी के ₹150, किसी के ₹129। दोस्तों यहाँ पे जो इनका चार्ज है वो ₹129 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पैसे ऊपर नीचे यहाँ पे दोस्तों कट रहे हैं, किसी के ₹150, किसी के ₹149, किसी के ₹129। तो इसके पीछे भी एक यहाँ पे जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी आपके पास धनी का कार्ड आए तो आपको जो है धनी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और वहाँ पे जो एक्टिवेशन का ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से आपको एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों सबसे मेन यहीं पे जो है अपनी गलती कर देते हैं कि आपके पास जैसे ही धनी का कार्ड आया तो आप जो है फटाफट से एप्लीकेशन के अंदर चले गए, और वहाँ पे आपने जो है फिजिकल तरीके से या फिर जो है बायोमेट्रिक जो भी है वहाँ पे, उस तरीके से आपने जो है धनी के वन फ्रीडम कार्ड को यहाँ पे जो एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों जब भी आपका कार्ड एक्टिवेट होगा, उसके तुरंत बाद में एक महीने के बाद से आपसे 129 या फिर ₹149 का जो है चार्ज आपसे बिना पूछे यहाँ पे जो है काट लिया जाता है। तो अब दोस्तों बात आती है कि इस समस्या से बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर इंडियन बुल्स का धनी अगर जो है डाउनलोड है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे जो रेफरल के द्वारा अर्निंग वगैरह कर सकते हो। खैर, वो एप्लीकेशन आपको जो पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देती है, उसका जो जनरल वॉलेट है यहाँ पे जो धनी कैश है वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैचमेंट कभी भी नहीं हो पाता है। ये दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक समस्या रही है धनी एप्लीकेशन में। मैंने खुद ने जो है धनी के द्वारा यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की थी, लेकिन किसी भी अर्निंग को मैं आज तक यहाँ पे जो विड्रॉल नहीं कर पाया। दोस्तों यार, काफ़ी बार मैंने जो है धनी की टीम से यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट भी किया था, पिछली बार मैंने 2-3 वीडियोस वगैरह भी बनाए थे, और उनके ऊपर जो है मैंने जैसे ही उन वीडियो को दोस्तों यहाँ पे क्रिएट किया तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स भी आपकी तरफ से आया था, लेकिन वो सुविधा 2 या 4 दिन तक यहाँ पे चली, उसके बाद में वापस से यहाँ पे जो है पैसे ब्लॉक हो गए। यानी कि जैसे ही मैंने टीम से बातचीत की, उन्होंने जो मेरा वॉलेट यहाँ पे जो ओपन कर दिया, और वो दोस्तों बात है लगभग आज से 5 या 6 महीने पहले की। तो उस समय यहाँ पे जो कुछ ऐसा हो जाता था, लेकिन हाल ही के अंदर यहाँ पे जो जनरल वॉलेट जो भी वॉलेट वगैरह है उनसे आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास बिना मंगवाए यहाँ पे जो धनी का कार्ड आ जाए, तो सबसे पहले आपको जो उसे एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने जो कार्ड को एक्टिवेट कर दिया तो आपको समस्या हो जाएगी। और अगर दोस्तों बाई चांस किसी ने अगर जो धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो धनी सपोर्ट के अंदर चले जाना है, और आपको जो धनी का जो भी कस्टमर केयर नंबर है उसके ऊपर आपको जो कॉल कर देनी है। दोस्तों आपको जो धनी के कस्टमर केयर नंबर के ऊपर जो कॉल करनी है, और उनसे बोलना है कि आपके पास जो कार्ड वगैरह आ चुका है और आपको जो उसे डीएक्टिवेट करवाना है। तो आपको दोस्तों जो यहाँ पे जो 24 आवर्स का समय लगेगा और आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यार, धनी एप्लीकेशन जो है आप मान के चल सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जीवाड़ा सा चल रहा है, ऐसी कोई ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको जो 10% का डिस्काउंट दे रही है एप्लीकेशन, तो आपके बैंक अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे भी यहाँ पे जो कट किए जा रहे हैं।
तो दोस्तों मेरी राय यही है कि जो भी न्यू यूजर्स है वो यहाँ पे धनी एप्लीकेशन को यूज ना करें, और दोस्तों जिन्होंने धनी का कार्ड एक्टिवेट कर लिया है वो फटाफट से यहाँ पे जो कॉल सेंटर के अंदर फ़ोन वगैरह कर सकता है। धनी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है कॉन्टैक्ट का नंबर मिल जाता है, तो वहाँ से आप जो उनको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जा करके और उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड को जो है यहाँ पे डीएक्टिवेट करवा सकते हो। और दोस्तों जिनके पास धनी का कार्ड आ चुका है और उन्होंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, तो दोस्तों आपको एक्टिवेट करना भी नहीं है, आप जो है बिल्कुल भी उस कार्ड को एक्टिवेट मत कर देना, वरना आप यहाँ पे जो है काफ़ी सारे पैसों से हाथ धो दोगे और आपकी जो बैंक की जो एक्सिस वगैरह है वो डायरेक्टली जो है धनी के पास चली जाएगी। तो दोस्तों यार बताइए आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको जो है जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।